इस दुनिया में एक ऐसा सेंटेंस है जिसने करोड़ों लोगों के सपने तोड़े हैं, यार मन नहीं कर रहा है। और एक ऐसा सेंटेंस भी है जिसने 1% लोगों को हद से ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है, मन नहीं कर रहा है फिर भी करूंगा। ये होता है डिसिप्लिन। सिंपल वर्ड्स में, डिसिप्लिन वो ताकत है आपके अंदर जिसकी वजह से आप वो काम कर पाते हो जो आपको करने का मन नहीं है। ये एक ऐसी क्वालिटी जिसके बिना आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, चाहे आपके पास जितनी भी नॉलेज, स्किल्स या नेटवर्क हो। बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंटली एक्शन लेना इम्पॉसिबल है। लेकिन अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऑथर ऑफ द बुक पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पीटर हॉलिंस का कहना है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं 5 रीजंस की वजह से। इन 5 रीजंस में एक कॉमन थीम है जो अगर आप समझ गए तो आप अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन बना पाओगे। पहला है गिविंग इनटू द 5 senses। हमारे 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ज्यादा लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। सेकेंड है एनिमोसिटी एंड मैलिस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ कर रहे हों उनकी कमियां जरूर निकालते हैं। कभी कभी हम सब में ये बात आ जाती है, लेकिन जब आप किसी से जेलसी या दुश्मनी रखते हो तो ये इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपका सारा सेल्फ डिसिप्लिन ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है एपथी एंड लेजीनेस। अगर आपने किसी लायन या टाइगर को देखा हो तो आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर टाइम वो बस पड़े ही रहते हैं। सिर्फ थोड़ा टाइम जब उनको ज़रूरत होती है तो वो शिकार करते हैं या घूमते हैं, वरना बाकी टाइम वो सोते रहते हैं। हम इंसान भी ऐसे जानवरों की तरह हैं। नेचुरली हमारी बॉडी चाहती है एनर्जी बचाना। आलस बहुत बड़ा रीज़न है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड रिमोर्स। कई बार हमें एंजाइटी होती है फ्यूचर की। मान लो एक लड़की है जिसको डॉक्टर बनना है, वो जब भी पढ़ने बैठती है तो उसको एंजाइटी होती है और दिमाग में थॉट आता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। या उसको अफसोस हो सकता है कि इतने दिन वेस्ट कर दिए, अब पढ़ाई करने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। ये एंजाइटी सेल्फ डिसिप्लिन किलर है। और लास्ट है हेजिटेशन डिसबिलीफ एंड अनसर्टेनिटी। अगर आपके अंदर बिलीफ की कमी है तो डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन 5 रीजंस का रूट कॉज सिर्फ 2 फोर्सेस हैं, 2 ऐसी शक्तियां जो आपकी जिंदगी बचपन से लेके अभी तक चला रही हैं, और वो हैं पेन एंड प्लेजर। अगर आप इनको समझ गए तो आप डिसिप्लिन बन सकते हो। या तो हम पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ काम करते हैं या प्लेजर पाने के लिए। हम जॉब करते हैं गरीब होने के पेन को अवॉइड करने के लिए। हम इंस्टाग्राम देखते हैं फनी मीम्स या अट्रैक्टिव लोगों को देखने के प्लेजर के लिए। लेकिन दुनिया का नियम कुछ ऐसा है कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में प्लेजरेबल होती है वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करती है, जैसे गैम्बलिंग, जंक फूड, पॉर्न एक्सेट्रा। और जो चीज़ शॉर्ट टर्म में पेनफुल होती है वो लॉन्ग टर्म में आपके सारे सपने पूरे कर देती है, जैसे एक बिजनेस बनाना, जिम जाना या पढ़ाई करना। अब अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो अब आप सेल्फ डिसिप्लिन का सीक्रेट समझ पाओगे। प्रॉब्लम आती है नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को जिनके पास खाना पीना या मकान तो है लेकिन लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन बस काम करने का मन नहीं करता है। तो इसको लेके डिसिप्लिन अगर आप हो, आप सोचो कि आपको क्या प्लेजर मिलेगा। आप दुनिया भर ट्रैवल कर पाओगे, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ले पाओगे, आपके पास लाइफ में फ्रीडम होगा। ना डिसिप्लिन होके आप क्या पेन अवॉइड कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। लोग आपका मजाक नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। या आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होगा क्योंकि आप अगेन कुछ कर नहीं रहे हो। और प्लेजर क्या मिलेगा ना डिसिप्लिन होने का? कि आपको रील्स और यूट्यूब के लिए और टाइम मिलेगा या आपको सोने के लिए और टाइम मिलेगा। अब इस लिस्ट में आप पेन और प्लेजर को जितना कम कर सकते हो उतना कम आपको करना है। कि ऐसा सोचो कि अरे रील्स और यूट्यूब के लिए टाइम निकालना भी कोई प्लेजर होता है? या क्या लोगों का मजाक उड़ाना इतना पेनफुल है कि मैं अपने गोल्स ना अचीव करूं? मैंने अपने खुद के लिए भी एक ऐसी लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैंने इसमें एक और चेंज किया जिससे ये 10 times और पावरफुल बन गई। आप पहले एक टास्क चूज करो जिसमें आपको डिसिप्लिन होना है, और फिर एक बार कैसे भी करके अपना ये काम कर लो। एक बार तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर वो काम करने के बाद आप अपनी यही दोनों लिस्ट पढ़ो और पेन और प्लेजर को पूरे डिटेल में इमेजिनेशन के साथ फील करो। ये करके आप अपने दिमाग में रीइंफोर्स करते हो वही प्लेजर और पेन जो आपको हेल्प करता है ये हैबिट और ऑटोमेटिक बनाने में। एक और चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो है आपका डिसिप्लिन स्टाइल। ऑथर के हिसाब से 2 तरह के डिसिप्लिन स्टाइल होते हैं, मॉडरेशन एंड एब्सटेनेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिहेवियर बैलेंस में आसानी से रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईने में एक बार सिगरेट फूंकते हो या थोड़ी बहुत पार्टी कर लेते हो, और वहीं स्ट्रीम पार्टी करने वाले या चेन स्मोकर बहुत आसानी से बन जाते हैं। आपको अभी तक अपनी लाइफ में पता चल गया होगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। इसी बेसिस पे आपको अपनी हैबिट्स का प्लान बनाना चाहिए।
अब अगर यहाँ पे आप गलत चूज करोगे तो आप फिर फेल हो जाओगे और डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे एंड मोस्ट लाइकली आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको अपने डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें आप बैलेंस रख पाओ। आपके लिए ये मानना और आसान है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कंपेयर टू कोई चीज़ कभी कभी करनी, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिसिप्लिन का बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें अपना टाइम ओरिएंटेशन फ्यूचर की तरफ रखना चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने पास्ट या प्रेजेंट से डिफाइन नहीं होते हैं, ये आगे देखते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। ये फिगर आउट करते हैं कि अभी वो क्या एक्शंस ले सकते हैं जिससे वो अपने आइडियल फ्यूचर की तरफ चले जाएं। आपका ये रिजॉल्व आपके अंदर एक आग की तरह होगा जिसको आपको रोज फ्यूल करते रहना है। जितना आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आप पहचान जाओगे कि डिसिप्लिन फील कैसे होता है, रिजॉल्व फील कैसे होता है। ये एक्सरसाइज आप जितना अपनी लाइफ में करोगे आप रिजॉल्व की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जिसकी वजह से आपका डिसिप्लिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत पावरफुल है।